आपका हमारे YouTube चैनल स्पीकर सब सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको यूपी टीजीटी आर्ट से किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना फॉर्म ओपन कर लेना है। मैंने जो है पहले से फॉर्म ओपन कर रखा है क्योंकि साइट काफ़ी बिजी है। यदि मैं जो है साथ के साथ प्रोसेस करने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। साइट बहुत ही ज़्यादा बिजी है। देखिए, सबसे पहले आपको जो है कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB, जेंडर, मेल फीमेल, मेरिड स्टेटस, मेरिड अनमेरिड, सिटीजनशिप, इंडियन, डोमिसाइल स्टेट, किस स्टेट का आपका जो है निवास प्रमाण पत्र है, कैटेगरी SC ST OBC, जनरल, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। वैसे तो मैं जो है TGT आर्ट पर पहले से वीडियो बना चुका, फिर भी काफ़ी डिमांड है तो दोबारा से देख लीजिए। केयर ऑफ आपको जो है फादर्स नेम डालना है, विलेज, पोस्ट ऑफिस, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, तहसील, ब्लॉक आपका ऑप्शनल है, आप सेलेक्ट कर लीजिए या इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। पुलिस स्टेशन और यहाँ पर आपका जो है विलेज नेम, इस लिस्ट में आपको अपना विलेज नेम सर्च करना है। यदि मिलता है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, वरना इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद पिन कोड के बाद नीचे आ जाइए। इसके बाद आपको जो है आपके हाई स्कूल की डिटेल फिल करनी है, उसके बाद इंटरमीडिएट की डिटेल फिल करनी है, सबसे नीचे आ जाइए। आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट आर्ट्स एंड क्राफ्ट, यदि ये आपके पास है तो आपको इस ऑप्शन को जो है प्लीज सेलेक्ट पर रहने देना है। यदि ये आपके पास नहीं है तो आपको इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन ओपन होंगे। देखिए, हाई स्कूल एग्जामिनेशन विद टेक्निकल आर्ट एंड BA ड्राइंग एंड पेंटिंग, हाई स्कूल एग्जामिनेशन विद टेक्निकल आर्ट बॉम्बे आर्ट, जिसको IGD बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता है, हाई स्कूल एग्जामिनेशन विद टेक्निकल आर्ट एंड बॉम्बे थर्ड ग्रेड आर्ट्स स्कूल एग्जामिनेशन, हाई स्कूल एग्जामिनेशन विद टेक्निकल आर्ट एंड कलकत्ता, जो भी आपके पास है इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास जो है सेकेंड ऑप्शन है हाई स्कूल एग्जामिनेशन विद टेक्निकल आर्ट एंड बॉम्बे आर्ट, तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है इक्वेड पर जाना है, यहाँ पर यस करना है। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको जो है स्टेट नेम, जो आपका IGD बॉम्बे है वो महाराष्ट्र स्टेट से होता है, तो महाराष्ट्र स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूशन, जिस सेंटर से आपने किया है, आप जो है अपनी मार्कशीट पर देख लीजिए, बैक साइड कहीं ना कहीं आपको जो है आपके सेंटर की जो मोहर लगी हुई मिल जाएगी, उस पर लिखा हुआ है आपका सेंटर का नाम, वहाँ से आप जो है अपने सेंटर का नाम फिल कर दीजिए। आपको अपने जो है सर्टिफिकेट के बैक साइड देखना है, वहाँ पर आपको इशू डेट मिल जाएगी और सेंटर का नाम भी मिल जाएगा। यदि आपको इशू डेट नहीं मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो है NA फिल कर दीजिए, नॉट अवेलेबल, बाकी आपको सेंटर का नाम फिल करना है, वो मिल जाएगा आपको बैक साइड। यदि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है प्लीज़ इससे पहली वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने आपको जो है कम्प्लीट फॉर्म फिल करके दिखाया है। इस सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है IGD बॉम्बे में ग्रेड मिलता है, तो आपको ग्रेड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ग्रेड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद मार्क ऑब्टेंड NA लिखना है, टोटल मार्क्स NA लिखना है। इसके बाद आता है आपका परसेंटेज, यदि आप परसेंटेज फिल नहीं करते हो तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो आपको परसेंटेज तो फिल करना ही होगा। तो इसके लिए आपको, यदि आपका सी ग्रेड है तो आप 40 से 45 के बीच कुछ भी फिल कर दीजिए, यदि आपका बी ग्रेड है तो आप 45 से 60 के बीच कुछ भी परसेंटेज फिल कर दीजिए, जैसी आपकी ड्राइंग है उसी के अकॉर्डिंग। और यदि आपका ए ग्रेड है तो आपको 60 से अबो जो है अपनी परसेंटेज फिल करनी है। तो इस प्रकार से आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यदि आप फीमेल कैटेगरी से, तो आपको जो है टेक्निकल ड्राइंग का होना आपके लिए जो है कंपलसरी नहीं है। यदि आप मेल कैटेगरी से है तो आपके लिए जो है हाई स्कूल में टेक्निकल ड्राइंग होना कंपलसरी है। बाकी आप यदि फीमेल कैटेगरी से है तो भी आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, हाई स्कूल एग्जामिनेशन विद टेक्निकल आर्ट, क्योंकि आपको जो है टेक्निकल ड्राइंग से छूट है, तो आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लेकिन आपको अपना जो फॉर्म है फीमेल कैटेगरी में ही डालना है। यदि आप बॉयज़ कैटेगरी में फॉर्म डालना चाहते हो तो आपके पास टेक्निकल ड्राइंग होना कंपलसरी है, तभी आप जो है बॉयज़ कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हो, वरना तो आपको जो है फीमेल कैटेगरी में ही अपना फॉर्म फिल करना है। तो इस प्रकार से आपको जो है अपना ये फॉर्म फिल करना है। इसके बाद नंबर दो पर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है, और नंबर तीन पर आपको जो है हाई स्कूल, यदि आपने सिंगल सब्जेक्ट टेक्निकल ड्राइंग से हाई स्कूल किया है तो आपको ये ऑप्शन
फिल करना है, वरना तो इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।